देवरिया जनपद में मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनरेगा मजदूरों के लिए तमाम रोजगार देने की काम कर रही है, जिससे भारत की गरीबी पर नियंत्रण हो सके, लेकिन वही सरकार के मनसे पर पानी फेरते हुए अधिकारी और ग्राम प्रधान सरकार के धन को ही हड़प ले रहे हैं। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के भागलपुर ब्लॉक क्षेत्र के गोपवापार गांव में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी की सहयोग से ग्राम प्रधान लाखों रुपए सरकार के गमन कर लिए। जांच करने गए अधिकारी ने घटना सही पाई, लेकिन आरोपियों को बचाते हुए आपदा अधिनियम 2005 के तहत ग्राम विकास अधिकारी और दबंग किसान पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, जिसमें मेन मुद्दा मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी की थी। इस गांव में एक दबंग किसान अपने निजी जमीन पर मनरेगा मजदूरों से पोखरी खुदाई करा रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने शासन में कर दिया था, जिसकी जांच जिले के अधिकार कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी मिलकर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी डकार गए और GCB से निजी पोखरी की खुदाई कर मनरेगा से पेमेंट करा लिया गया, जिसकी शिकायत एक व्यक्ति ने शासन को पत्र लिखकर किया था, जिसकी जांच करने का आदेश जिला विकास अधिकारी को दिया गया था, जो खुद मनरेगा भुगतान में सम्मिलित है। घोटाले की जांच में जिला विकास अधिकारी द्वारा आरोपियों को बचा दिया और खुद को बच निकले, लेकिन शिकायतकर्ता इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और पुनः जांच मुख्य विकास अधिकारी से करने की गुहार लगाई। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि गोपवापर गांव में मनरेगा का कार्य GCB से कराया गया, जो गलत है, इसकी दोहरी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से अमित राजपाल की रिपोर्ट। ये मामले में DVO साहब ने जांच किया है और उनका ये रिपोर्ट आया है कि उसमें कुछ 15 दिन पहले लेबर का काम हुआ था, उसके बाद कुछ जो ज़मीन का मालिक था उन्होंने कुछ JCB से काम करवाया है, तो इसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ है। सर, ये संज्ञान में आया कि 6,71,000 का पेमेंट हुआ है फरवरी और मार्च में, और काम वर्तमान में कराया जा रहा है, JCB से कराया जा रहा है, और उसकी JCB से वो पुष्टि अनुमति नहीं दी गई काम कराने की, वो भी भू स्वामी जो है बृहद किसान है, वो मनरेगा उसके ऊपर लागू नहीं होता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? इसी मामले को हमने संज्ञान में लेते हुए फिर से एक विस्तृत जांच के लिए उनको कहा है, तो वो एक दो दिन में रिपोर्ट आएगा, तो उसके ऊपर हमको कार्रवाई करते हैं पात्रता के लिए। इसके निमित्त का मामला सर है, उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कराया जा रहा है, और चार्ज जो PO साहब है जो DVO के चार्ज के लिए हैं, और वही इन्वॉल्व भी उसमें है, तो इसके बारे में क्या कहना सर? वही मैंने विस्तृत जांच के लिए उसके कहा है, क्योंकि मामला उसके बाद में मेरे संज्ञान में आया है, तो एक दो दिन में डिटेल रिपोर्ट आएगा, तो हम लोग उसको अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। ये गोपवा पार्वी गाँव में तो विकास खंड भारत के अंदर बताता है, इसमें एक्सीडेंट की अंतर्गत के लिए क्या मामला है? बरहस तहसील के अंतर्गत विकास खंड भागलपुर के ग्राम गोपवापार में शासकीय धन की बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। जिला विकास अधिकारी जनपद देवरिया के मिली भगत से वहां के ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं अन्य लोगों के मिली भगत से वहां पर एक बहुत बड़ा पोखरी का निर्माण कराया गया, वो अभी मनरेगा के पैसे से JCB द्वारा। साथ ही वहाँ पर सुंदरीकरण के नाम पर भारी लूट की गई, वृक्षारोपण के नाम पर भारी लूट की गई, और जब यह मामला उजागर हुआ तो ज़िले के कुछ अधिकारियों के जब गर्दन फंसने लगे, तो उन्होंने निचले अपने कर्मचारियों के ऊपर एक लॉकडाउन का मुकदमा बरहस थाने में दर्ज करा करके मामले की लीपापोती कर दी गई। अगर इस पूरे मामले का निष्पक्ष रूप से जांच होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला इस ग्राम सभा में पकड़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि 7-8 लाख रुपए का मामला जो है पकड़ा जाएगा, और मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और निष्पक्ष जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, और साथ ही जो शासकीय धन की लूट हुई है उसकी इनसे वसूली किया जाए। अमरेंद्र गुप्ता, भाजपा नेता, बरहज। विकास भागलपुर के ग्राम गोपवापार में जो नियुक्ता की गई है मनरेगा द्वारा, और उसमें अधिकारियों ने मिली भगत में क्या सुनाई है? विकास खंड भागलपुर के
ग्राम सभा गोपवा पार में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी ग्राम प्रधान के सुनियोजित गठजोड़ से व्यापक पैमाने पर लूट खसोट किया गया है। और जब इस लूट से पर्दा उठा, जब यह मामला सामने आया, तो जिला विकास अधिकारी ने इस मामले को दबाने के लिए ग्राम सचिव और जो पोखरी का भूस्वामी है उसके खिलाफ इस लॉकडाउन में एक कुत्सित प्रयास करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिससे कि यह मामला का पटाक्षेप हो जाए। और मैं यह मांग करता हूं कि सरकार द्वारा ग्राम सभाओं में सुंदरीकरण, पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण, साफ सफाई के नाम पर मनरेगा के तहत करोड़ों करोड़ों रुपया ग्राम सभाओं को दी जा रही है, लेकिन ये अधिकारी मिली भगत करके शासन द्वारा भेजी गई रुपयों का बंदरबाट कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इस मामले का निष्पक्ष जांच हो और जो भी लिप्त इसमें हैं सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र भारत, हिंदू युवानी, जिला मंत्री देवरिया।